रुक जा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है। आज के मेरे नए ब्लॉग में तो मैं मम्मी के घर हूँ, तो अभी पापा का फोन आया है तो नीचे दुकान पे बुलाया उन्होंने, तो मैं फटाफट दुकान पे जाती हूँ। चिल्ला रहे हैं जल्दी से आ जा, तो मैं जाती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मैं अभी एंट्री करते हैं, बहुत बिजी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा रश हो रहा है, काफी क्राउड हो गया था, तो मम्मी को बुलाया मैंने फटाफट। ये भाई मेरा खाना खाने चला गया था। हेलो भाई, मुझे दे दे, क्या खा रहा है तू? भूख लग रही है, वैसे भी कुछ खा के नहीं आई मैं। क्या कह रहे आप? धरने पे बैठेंगे करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रहा हूँ मैं। किसके लिए? घर वाली, घर वाली? बाहर वाली है, घर वाली है, दोनों की? दोनों की। हाँ, वोट दिखाना संबंध में मुझे पता नहीं होती है। ये देखो वोट पूरे, इसने हुआ देखो इसके वोट पूरे। और आप कह रही नेल पेंट दिला दो। फर्स्ट टाइम आई है शॉप पे? नहीं, आती रहती है। तो आपको अच्छा मिलता है ना सामान? सब अच्छा मिलता है। चलो थैंक यू। तो दोस्तों मैं अभी अपने भाई के साथ जा रही हूँ बाजार तक। उसने मुझे मना करा है कि कैमरा मत निकालना, बट मैं तो पता ही है आप लोगों को, मैं बिना कैमरा निकाले तो रहूंगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को सच्ची बतानी होती है कि मैं आज क्या कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, उसको पता नहीं है, कैमरा मैंने खोल लिया है। मुझे डर लग रहा है मुझे छोड़ के ना आ जा कहीं, क्योंकि इसने बोल दिया है कि अगर तूने कैमरा वैमरा निकाला तो मैं छोड़ आऊँगा। मैंने कहा बस भाई गोलगप्पे खिलाना बढ़िया से, कहीं अच्छी सी जगह पे जाके। तो गोलगप्पे तो मेरा फेवरेट है ही। ये पता नहीं मुझे कहाँ खास से लेके जा रहा है गोलगप्पे खिलाने। तो दोस्तों भाई ने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए हैं, इसको पता चल गया मैंने कैमरा निकाल लिया है, और इससे मुझे रास्ते में थोड़ी रोक। रुक जा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? भाई चला गया, मैं कैसे जाऊँ? गाड़ी आ रही है यहाँ पे, फटाफट भगती हूँ मैं यहाँ से, बस भी आ रही है। ये तो बग गया, मुझे रास्ता भी नहीं पता भाई, ये तो बग गया, मुझे रास्ता भी नहीं पता, उसने मुझे बोला था। तो दोस्तों मुझे रास्ता भी नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँ? कैसे जाऊँ यार, टेंशन हो रही है। ये तो छोड़ के भग गया मुझे, अरे रब्बा आप, मैं इसके सामने कभी मोबाइल नहीं निकालूंगी। ये आइसक्रीम वाले भैया बैठे हैं, मैं इनसे एक पूछती हूँ थोड़ा सा। हाँ। जगह का रास्ता तो कहीं पता नहीं है, एक रिक्शा रिक्शा वाला देखती हूँ, कोई रिक्शा करके जाती हूँ मैं। इनसे थोड़ी सी मैं हेल्प लेती हूँ। भैया ये मंडावली प्राइमरी स्कूल कहाँ के साइड पड़ेगा? मंडावली तो प्राइमरी स्कूल के सामने है। कौन सा प्राइमरी स्कूल? ये सामने लाल बत्ती के पास। लाल बत्ती के पास है? दो दो है क्या यहाँ? पाँच छह बोले। हाँ पाँच छह है, भगवान मंडावली में पाँच छह वो प्राइमरी, पाँच छह प्राइमरी स्कूल है। अब मैं कैसे जाऊँ अपने घर? फोन भी मैं फोन करती हूँ एक बार, ठीक है भैया। मैंने फोन करा है, रोहित जी तो फोन नहीं उठा रहे हैं अपना। मम्मी को फोन करा, मम्मी शॉप पर है, मम्मी ने अपना फोन शॉप पे रख दिया। मम्मी फोन नहीं उठा रही, पापा भी फोन नहीं उठा रहे हैं, और दोनों के दोनों कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। मुझे टेंशन हो रही है, छोड़ के चला के मुझे ये तो सारी पब्लिक मुझे देख रही है कि पता नहीं कौन से इलाके में छोड़ के गया है। बहुत टाइम हो गया मैं पियर की गलियों में कहाँ इस तरह घूमती हूँ मैं, तो रोड पे और छोड़ गया है। हाँ यहाँ पे कह रहे हैं दो तीन प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के पास ही है मेरे पापा की शॉप, तो अब मैं कैसे जाऊँ? हे भगवान, अगर स्कूटी होती ना मेरी फुर फुर करके ना कहीं भी ढूंढ ढांड के मैं निकल जाती, बदतमी स्कूटी भी ले गया, स्कूटी तो छोड़ जाता, मैं आ जाती अपने आप। गए रिक्शे वाले, ये चला गया, अंधेरा भी होने वाला है, थक गई मैं तो पैदल चलते चलते, पैदल चलने की आदत ही खत्म हो गई है। एक तो स्कूटी इतनी बुरी चीज है ना, हर जगह मैं कहीं भी जाती हूँ ना स्कूटी में चली जाती हूँ। अब ये रिक्शे वाला एक दिखा था वो भी चला गया, वो आगे आवाज मारती रहेगी उसे भी। तो ये भाई मुझे इसी गली में यहीं पे छोड़ के इस गली में मुड़ गया था, मैं वापिस इधर की साइड आई हूँ।
मैं जाती हूँ इधर से। ये आज बचेगा नहीं मेरा हंसी। ये आज इसकी मैंने बहुत बुरी खबर लेनी है। ये गली कौन सी है? ये वाली गली तो नहीं थी यार, ये तो बंद है। भैया खुली हुई है ये गली? खुली है। बता यार मैं तो कहाँ से आ गई है। ये तो फोन भी नहीं उठा रहे। तीन चार बार मैंने फोन ट्राई कर लिया, फोन भी नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठा रहे फोन। दुकान पे शायद भीड़ लग रही होगी। यहाँ पे एक गली है, एक गली है। थक गई पैदल चलते चलते मैं तो। सीधे मैं पता नहीं कहाँ छोड़ के चला गई मुझे। दुकान को मैं पहचानती हूँ, कमल बुक डिपो की दुकान है। जब मैं 12th में थी तब मैं आती थी शॉप पे। दिशा तो वैसे मैं सही जा रही हूँ। अभी लेके आया था मुझे ये यहाँ से। हाँ थैंक गॉड ठीक हूँ वैसे मैं। अब रिक्शा मिल जाए मुझे फटाफट से कहीं। क्या तो मैं पैसे भी नहीं लाई हूँ। मैं पहले रिक्शा करती हूँ फिर दुकान पर जाके रिक्शे वाले को भी पैसे दे दूँगी। कार्ड वार्ड कुछ भी नहीं लेके आई मैं। रिक्शा मिल जाए बस मुझे खाली। ये कहाँ पे आ गई मैं? इन बात में पैसे होते हैं ना कोई टेंशन नहीं होती। इसकी आज खैर नहीं है, मुझे मिल जा रहा है बस तुम पहुंच जाओ किसी तरह। उसको तो मैं बता देना है मुझे। चलते 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 मेन रोड पे तो मैं निकल आई हूँ। अब यहाँ से मैं सीधी जाऊंगी, मेरी दुकान आ जाएगी। तो सीधा का रास्ता भी दूर है तो मैं करूंगी रिक्शा और उसको दूंगी दुकान पे जाके पैसे से। चलो मिल जाइए दो चार रिक्शे वाले खड़े हैं इनसे देख। भैया चलोगे मंडावली प्राइमरी स्कूल? चलोगे? पैसे मैं आपको दुकान पे जाके दूंगी ठीक है। फाइनली मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ, जाती हूँ दुकान पे। उसकी खबर लेती हूँ मुझे छोड़ के कैसे आए। फिर मैं अपना रिटर्न तो लेके रहूंगी, 10% लूंगी। आगे पापा की चौकी से भैया इसी शॉप के आगे रोक देना। ले लो दुकान से आप। वो छोड़ के तो गया मुझे वहाँ पे। आवे फोन पे फोन कर रही है कहीं बदतमीज। भीड़ लग रही थी? नहीं भीड़ लग रही। और तुम्हारा फोन कहाँ पे था? मेरा फोन अंदर पड़ा होगा। फोन पे फोन कर रही है, पेट में दर्द हो गया। मैं हॉल हो गई थी पेट में, वहाँ पत्नी गली गली से लेके चला गया। वो वहाँ मिला था एक भी पैसे भी नहीं लेके गई मैं। एक भी पैसे ऐसे भी नहीं लेके गई थी मैं। ये है काम पहले तो ये यहाँ मजे से बर्गर खा रहा है। अभी मैं इसको बांट लेती हूँ। अभी है कहीं तो ये अंदर आ गया। बर्गर चौमीन खा रहा है बदतमीज। है तो इतना बदतमीज कैसे हो गया? तो मुझे छोड़ के कैसे आया तू? गोलगप्पे खा रही निकाले? गोलगप्पे तो खाने भी नहीं दिए, एक भी गोलगप्पे नहीं खाए मैंने। गोलगप्पे की ठेली पे ही रोक दिया था उसने मुझे। छोड़ा कैसे तूने मुझे ये बता पहले तू? बदतमीज में पर्स भी नहीं लेके गई थी मैं अपना। पानी तेज जल्दी प्यास लग रही बहुत तेज तो मैं बैठ गई हूँ पानी नहीं पी के। थक गई बहुत पैदल चला दिया इसने मुझे आज। उससे मैंने बर्गर मंगवाया, मैंने कहा बर्गर बनवा के लेके आ फटाफट, भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से। तो उसने माफी भी मांग लिया, कह रहा सॉरी सॉरी सॉरी। तो छोटा भाई है माफ कर दिया। दोस्तों अभी बजे 8:30, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। थक गई पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अब जाते हैं खाना ना खाते हैं। बच्चे भी आ गए मेरे नीचे, मोबाइल ले लिया इसने। चलते हैं घर। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, घर आ गई हूँ अपने। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चली हूँ मैं आज ये भाई की वजह से। बहुत कुटा है मेरे से ये। और खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है। बच्चों को भी खिलाती हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो मैं कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय बाय, राधे राधे।